तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS में निकली हुई है TGT शिक्षक और जो है छात्र और अधीक्षक की भर्ती। और हम ये पूरा जो जानकारी है देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20, ये 20 पॉइंट में पूरा जानकारी जो है आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू से देखते जाइए। सरसरी तौर से मैंने हिंदी में इसको कन्वर्ट कर लिया है। और सबसे पहले देखिए तो क्या है, इसमें अक्षर छोटा छोटा है, ये बस थोड़ा से आपको डिस्टर्ब करेगा, तो देखते जाइए। ESSE 2023 के लिए देश शुल्क कितना है, तो केवल ऑनलाइन मोड में है ये TGT के लिए 1500 और हॉस्टल वार्डन के लिए है 1000 रुपये। आगे देखते हैं, NESTS से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना तो वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। परीक्षाओं की तिथि वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। परीक्षा की अवधि तो टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है 150 मिनट, अर्थात ये 3 घंटा और ये 2.5 घंटा। परीक्षा केंद्र जैसा कि एडमिट कार्ड में मिलेगा आपको। प्रश्न पत्र के विभिन्न सेटों का प्रदर्शन तो देखिए उचित समय पर वेबसाइट में जो है मिलेगा आपको। OMR आधारित परीक्षा परिणाम की घोषणा जारी, तो ये सब परीक्षा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीदवारों को केवल पद के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना होगा, तो सभी पदों के लिए ऑनलाइन मोड ही जो है स्वीकार्य है। यदि कोई उम्मीदवार पात्र है तो एक से अधिक पदों में आवेदन कर सकता है, परंतु उसको दोनों के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ेगा। SC ST PWD श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई शुल्क जो है नहीं लगेगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उम्मीदवारों द्वारा अपने संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदान की गई जानकारी को अंतिम माना जाएगा, उसमें गलती है तो मान के चलिए वहीं से खत्म। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत किया जाने वाला उनका ईमेल पता और मोबाइल नंबर वैध है, क्योंकि और समस्त जानकारियाँ उसी में आपको मिलने वाली हैं। तीसरा नंबर देखते हैं, उम्मीदवारों को उपकरण ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स ये सब अलाउ नहीं किया जाएगा। चौथा नंबर देखिए, EMRS कर्मचारी चयन परीक्षा 2023 के बारे में देख लीजिए। TGT में रिक्त पद हैं 5660 और हॉस्टल वार्डन पुरुष में 335 और 334 क्या है महिला में है, कुल है 6329। यहाँ पर देख लीजिए, प्रशिक्षित स्नातक, TGT का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ऐसे होता है ना, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात स्नातक इनका योग्यता है। तो यहाँ पर पदों का विवरण देख लीजिए, हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक अध्ययन विज्ञान इसमें 3331 है। और इसका देख लीजिए कास्ट वाइज जो है यहाँ पर डिवाइडेशन है। इसके बाद देख लीजिए, प्रशिक्षित स्नातक तृतीय भाषा समूह भी, तो तृतीय भाषा समूह में कितने हैं, 652 है, अलग अलग भाषा के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके बाद देख लीजिए, संगीत के हैं, कला के हैं, PT के हैं, ये सब चीज़ क्या है, TGT के ही हैं, क्लियर। ये विषय शिक्षक है, उसके बाद ये तृतीय भाषा के शिक्षक हैं उसके लिए। और उसके बाद जो है देख लीजिए ना, यहाँ पर कितना पड़ा, 3311 पोस्ट टोटल पोस्ट हमने कितना पढ़ा अभी देख लीजिए, 5660 जो है TGT के लिए है, तो 3311 इसके लिए हैं विषय शिक्षक। उसके बाद ये जो अलग अलग भाषा के शिक्षक हैं उनके लिए 652 हैं। और उसके बाद संगीत शिक्षक के लिए कितना है देख लीजिए, 1697 है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला देख लीजिए, विकलांगता के लिए PWD के लिए 36 आरक्षण जो है निम्नानुसार है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण जो है इनको मिलता है। और देख लीजिए ये इस प्रकार से है, कहना चाहिए यहाँ पर लिखा है HH HH LB LB, तो इसका तात्पर्य आप देख लीजिएगा, OL ऑर्थोपेडिकली जो है डिसेबल्ड, इस टाइप से होता है इसका मतलब। वार्डन के लिए देख लीजिए, हॉस्टल वार्डन के लिए देख लीजिए, कुल टोटल पद हैं 335 और 334, इसमें देख लीजिए UR 137 136, और इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है देख सकते हैं। OBC में पद है, SC ST लगभग लगभग सभी में पद हैं कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पदों के लिए विकलांगता की प्रकृति, जिसमें PWD जो है 36 आरक्षण निर्धारित किया गया है, तो ये प्रकृति है विकलांगता की, आप देख सकते हैं इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। 10वां नंबर देख लीजिए, केवल भारतीय नागरिक ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, भर्ती NEETS द्वारा अधिसूचित और भर्ती नियमों के अनुसार होगा। 11 नंबर देख लीजिए, विभिन्न पात्रता मापदंड, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा आदि निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि 18 अगस्त 2023 होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा आदि 18 अगस्त 2023 के डेट में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। आवेदन करने से पहले आवेदकों को अपनी योग्यता के बारे में संतुष्ट होना होगा। शैक्षिक योग्यता आदि तो यहाँ पर देखिए ना, आयु सीमा आप इस डेट में डालेंगे, वैसे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन रहता है। अगला है, उम्मीदवारों को अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, किसी प्रकार से कौशल या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। 13 नंबर देख लीजिए, TGT और हॉस्टल वार्डनों के आवेदन के लिए पोस्टिंग, प्लेसमेंट योग्यता, क्षेत्रीय भाषा योग्यता परीक्षा और किसी विशेष राज्य में रिक्तियों के संयुक्त वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर किया जाएगा।
हालांकि चयनित उम्मीदवारों को देश भर में किसी भी ईएमआरएस में पोस्ट किया जा सकेगा। पोस्टिंग एनटीएसटीएस की पूर्ण विवेक पर निर्भर करेगा। चयनित उम्मीदवार प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अवधि में रहेंगे, उसके बाद जो है सक्षम प्राधिकारी के विवेक द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षाधीन अधिकारी की सेवाएँ बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी। जो उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट लेना चाहिए और इसे अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखना चाहिए और इसे भेजना नहीं चाहिए। एनटीएस या अन्य पते के समान आवेदक प्रिंटआउट साक्षात्कार के समय भी जमा करना होगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, गैर क्रिमी लेयर, शारीरिक विकलांगता और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाला बात कर रहे हैं के समर्थन में प्रमाण पत्रों के स्वसत्यापित जो है प्रतियों के साथ दस्तावेज सत्यापन। आवेदन में उम्मीदवार उसके पिता, माता, जाति आदि का नाम सही ढंग से लिखा जाना चाहिए जैसा कि प्रमाण पत्र मार्कशीट में लिखा हुआ है। कोई भी परिवर्तन जो है मान्य नहीं होगा, सीधा उम्मीदवार जो है अयोग्य हो जाएगा। 14 पदों का विवरण देख लीजिए। तो प्रशिक्षित स्नातक है, TGT, विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तीसरी भाषा। तीसरी भाषा में वही सब है ना जो उर्दू, बंगाली, मराठी सब है। वेतन मैट्रिक्स देख लीजिए, लेवल 7 है। ये जो सीधे से पेमेंट ये आपका 50,000 से ऊपर जाएगा। और TGT, अन्य TGT जो कि कहना चाहिए संगीत कला है इस टाइप से, तो ये जो पेमेंट देख लीजिए लेवल 6 है, 40 से ऊपर जाएगा। छात्र स्वार्डन के लिए ये जो है 35 से ऊपर जाना चाहिए, लेवल 5 है छात्र स्वार्डन, ठीक है। 15 नंबर देख लीजिए, EMRS कर्मचारी चयन परीक्षा OMR आधारित पेन पेपर मोड में आयोजित होगी, अर्थात ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। प्रश्न परीक्षाओं में पत्रों के माध्यम का चयन देख लीजिए। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। हालांकि TGT विधिक श्रेणी के शिक्षकों और हॉस्टल वार्डन के मामले में भाग 4 में भाषा योग्यता परीक्षा उम्मीदवार द्वारा चुनी गई क्षेत्रीय भाषा में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा TGT तृतीय भाषा के पद के लिए भाग 5 में डोमेन ज्ञान के लिए परीक्षा का माध्यम संबंधित तीसरी भाषा में होगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें स्पष्ट है, देख लीजिए, हॉस्टल वार्डन के मामले में भाग जो 4 रहेगा उसमें एक जो भाषा है आपको चुनना है, नीचे वो मिलेगा आपको। टोटल देख लीजिए TGT के 120 अंक और भाषा योग्यता के 30 अंक। और आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, तो इसमें डिवाइडेशन कैसे होगा देख लीजिए। पहला सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, दूसरा है तर्क क्षमता, तीसरा है ICT का ज्ञान, ये शिक्षित अभिरुचि है और कुछ नहीं है, और चौथा है शिक्षण योग्यता, और भाग 5 है क्लियर डोमेन की जानकारी, विषय विशिष्ट, पाठ्यक्रम कठिनाई स्तर, स्नातक, अनुभवात्मक गतिविधि आधारित शिक्षा स्नातक, केस अध्ययन आधारित प्रश्न आदि। कुल है 120 अंक और भाग 5 भाषा योग्यता सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, यह भाग प्रत्येक भाषा में न्यूनतम 40% अंकों के साथ केवल क्वालिफाइंग की प्रकृति का है। यदि उम्मीदवार भाग 4 में अर्हक अंक प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसके भाग 1 से 5 तक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें 40% अंक लाना है, 30 का 40% देख लीजिए, जो भी होगा उसके हिसाब से इसमें उतना अंक आपको लाना ही पड़ेगा भाग 4 में। आगे बढ़ते हैं 15 सिलेबस हॉस्टल वार्डन, ये सबसे महत्वपूर्ण है देख लीजिए। सामान्य जागरूकता, सोचने की क्षमता, ICT का ज्ञान, भारत सरकार के पास्को और अन्य बाल सुरक्षा संबंधी नियमों का ज्ञान, प्रशासनिक योग्यता, और भाग 4 है भाषा योग्यता समान हिंदी, समान हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, प्रत्येक में 10 अंक, ठीक है, अर्थात 30 अंक। तो ये कितना हुआ, 120 अंक। अब यहाँ पर देखिए जो स्टार लगा है उसमें आपको एक ठो चुनना पड़ेगा, कौन है देख लीजिए, बंगाली, डोंगरी, अंग्रेजी, गारो, गुजराती, हिंदी, आप हिंदी चूज कर लीजिए, क्लियर है, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, तो ये सभी जो है आपको एक ठो चुनना पड़ेगा। तो 10 अंक वही है, और ऊपर वाला जो भी स्टार लगा है ना उसका मतलब भी यही होना चाहिए, क्लियर। यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का मतलब वही है सब है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 जो है माइनस मार्किंग आपको यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 17 नंबर है, पात्रता शर्तों की पूर्ति और निर्धारित आवेदन शुल्क की प्राप्ति के अधीन उम्मीदवारों को ई प्रवेश पत्र NEETS वेबसाइट के माध्यम से जारी किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार से है, ये आप जरूर जो है याद रखिए। अगला है हमारे पास जो महत्वपूर्ण बातें हैं 18 नंबर, अध्याय 4 पात्रता मानदंड और योग्यता, शैक्षिक योग्यता यही सबसे ज़्यादा जरूरी था जो कोई लास्ट में है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो शैक्षिक योग्यता है ये एक दूसरे में इस प्रकार से मिक्स हो गया है ना कि इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर पद है TGT के इंग्लिश 2 इंग्लिश दे दिया गया, जबकि 1 हिंदी होना चाहिए, और यहाँ पर साइंस एंड सोशल साइंस ये पदों के नाम है, और आयु देख लीजिए 35 साल अधिकतम है, लेकिन उसमें यहाँ पर देख लीजिए एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC
इंस्टीट्यूशन, अभी इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए उनके लिए, जो सरकार द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा जो नियम है उसके हिसाब से छूट होगा वो मान्य होगा। और 55 साल ऑफ ई एम आर एस एट लिस्ट टू ईयर इन, अर्थात जो ई एम आर एस को जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये होना चाहिए 55 साल। अगला है बेचलर्स ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, तो इसके लिए देखिए साइंस सोशल साइंस के लिए क्या होना चाहिए, बेचलर डिग्री होना चाहिए साइंस और सोशल साइंस में। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वेस्टिक सब्जेक्ट फॉर इट अप टू द 3 ईयर्स डिग्री कोर्स इम्प्लॉइज आर बेचलर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, मतलब कि बेचलर डिग्री चाहिए जिसमें तीनों साल ये चीज़ें वो पढ़ा हो करना चाहिए, मेन बात वही है। बाकी और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़िए, डॉक्यूमेंट में नीचे आपको दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए TGT आर्ट के लिए है, TGT की फिजिकल एजुकेशन के लिए है, TGT लाइब्रेरियन के लिए है। यहाँ पर देख लीजिए ये सब एक दूसरे मिक्स हो गए हैं, इसलिए इनको थोड़ा आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बनेगा। वैसे आपको किसी का स्पेशल चाहिए ना तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए इसको ट्रांसलेट करके दे दूंगा। हॉस्टल वार्डन यहाँ पर लिखा है आयु सीमा है नॉट एक्सीडेड 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए क्या होना चाहिए देख लीजिए, एंड अदर इंस्टीट्यूशन अदर कैटेगरी एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, भारत सरकार के जो नियम है उसके अनुसार रहेगा। अप टू 55 ईयर पर EMRS जो इंप्लाई है उनके लिए 55 साल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता क्या है, 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में 4 साल का डिग्री हो सकता है या फिर किसी भी जो मान्यता प्राप्त संस्थान है कॉलेज है वहाँ से स्नातक होना चाहिए, बैचलर डिग्री का तात्पर्य वही है। और लास्ट देखते हैं हमारे पास 20वां नंबर क्या है, एज रजिस्ट्रेशन, तो एज रजिस्ट्रेशन देखिए भारत सरकार का जो मिलती है उसके हिसाब से ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट इसका जानकारी, मूल बात मैं कहूँ तो इसमें ये है TGT हो या हॉस्टल वार्डन दोनों के लिए आपका स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके बाद आपको अच्छा जानकारी होना चाहिए, तभी जो है एग्जाम जो है क्रॉस कर पाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।